Hey guys, welcome to my channel Azad Cut here. In this video I'm gonna show you कि हम brocade fabric की look कैसे create कर सकते हैं. So let's start. हमारा first step ये है कि हम pencil से design बना लेंगे जो हमने अपने garment में show करना है. ब्रोकेड फैब्रिक का जो भी डिज़ाइन हमने शो करना है वो हम पेंसिल से बना लेंगे और ये हमारा फाइनल डिज़ाइन होगा. पेंसिल से ही हम फाइनल डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, इसको पेन से नहीं बनाएंगे हम. पेंसिल से डिज़ाइन बनाने के बाद हम जो बेस कलर है वो ऐड करेंगे. आपने अपने गारमेंट में जो भी कलर शो करना है वो आप ऐड कर लेंगे. जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ, मुझे अपनी इलस्ट्रेशन में ब्लू कलर शो करना है, सो इसलिए मैं ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ. जो हमने पेंसिल से डिज़ाइन बनाया है उसको छोड़ के बाकी सारे गारमेंट में हम कलर ऐड कर लेंगे और इसके लिए हम स्टेडलर्स यूज़ करेंगे. अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर दी नेक्स्ट स्टेप हम येलो ऑकर कलर अप्लाई करेंगे. जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके बीच में हम ये ऑकर शेड अप्लाई कर देंगे और हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा सा वाइट छोड़ देंगे. जैसे आप देख सकते हैं कि मैं फ्लावर्स के बीच में साइड साइड पे कहीं पे वाइट छोड़ रही हूँ, सो इसी तरह से आप भी डिज़ाइन में कहीं कहीं पे हल्का हल्का वाइट छोड़ देंगे. उसके बाद हम वाटर अप्लाई करेंगे. जो हमने डिज़ाइन बनाया है जिस पे हमने येलो ऑकर कलर अप्लाई किया है उस पे वाटर अप्लाई कर देते हैं और जहाँ पे हमने वाइट छोड़ा था उसको ऐसे ही रहने देंगे. हल्का हल्का वाइट हमें छोड़ना है. उसके बाद फिर हम जो हमने बेस कलर ऐड किया है उस पे वाटर अप्लाई कर देंगे. इसके लिए आप 0 नंबर ब्रश यूज़ करें ताकि दोनों कलर्स मर्ज ना हो जाएं, डिज़ाइन हमारा पूरा क्लियरली विजिबल हो. जब कलर ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम बेस कलर से ही थोड़ी और शेडो अप्लाई कर देंगे. जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसके अराउंड कहीं कहीं पे हम बेस कलर फिर से अप्लाई करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे और साइड्स पे हम बेस कलर अप्लाई करेंगे. उसके बाद फिर ब्लैक कलर से हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. डिज़ाइन के अराउंड कहीं कहीं पे हमें ब्लैक कलर अप्लाई करना है और साइड्स पे कहीं कहीं पे हमें ब्लैक कलर अप्लाई करना है. ये स्टेप एम्बॉस्ड लुक देगा, जो डिज़ाइन उभर के आता है ब्रोकेड में, ये स्टेप उस चीज़ के लिए है. लास्ट में हम गोल्डन ग्लिटर पेन अप्लाई कर देंगे. जो डिज़ाइन हमने पेंसिल से बनाया है जिसके ऊपर हमने ऑकर शेड अप्लाई किया उसके ऊपर हम गोल्डन ग्लिटर पेन अप्लाई कर देंगे और जहाँ पे हमने वाइट छोड़ा था उसको वाइट ही रहने देंगे. इस स्टेप से गोल्डन शाइन आ जाएगी ब्रोकेड में. एक बार फिर से देख लेते हैं ये सारे स्टेप्स कि हमें इलस्ट्रेशन पे कैसे इलस्ट्रेट करने हैं. सो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम पेंसिल से सारा डिज़ाइन बना लेंगे और इसके बाद हमने पेन नहीं अप्लाई करना, सो हम पेंसिल से ही प्रॉपर डिज़ाइन बना लेंगे. आफ्टर दैट हम बेस कलर अप्लाई करेंगे और डिज़ाइन में कलर अभी नहीं अप्लाई करेंगे. पहले हम सारा बेस कलर अप्लाई कर लेंगे. जो हमने पेंसिल से डिज़ाइन बनाया था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे. जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं. ऑकर कलर अप्लाई करेंगे फिर हम अपने डिज़ाइन में, जो हमने डिज़ाइन बनाया है पेंसिल से उसमें ऑकर शेड अप्लाई करेंगे. कहीं कहीं पे हम वाइट छोड़ देंगे. वाटर अप्लाई कर देंगे. उसके बाद हम पहले जो हमने डिज़ाइन बनाया है ऑकर शेड के ऊपर हम वाटर अप्लाई करेंगे और जो हमने वाइट छोड़ा है उसको हम वाइट ही रहने देंगे. और उसके बाद फिर हम जो हमने बेस कलर ऐड किया है, जैसे मैंने ब्लू कलर ऐड किया है, सो उसके ऊपर फिर हम वाटर अप्लाई कर देंगे. जैसे अब मैं यहाँ पे ब्लू कलर के ऊपर वाटर अप्लाई कर रही हूँ और इसके लिए आप 0 नंबर का ब्रश यूज़ करें ताकि हमारा डिज़ाइन भी ख़राब ना हो और दोनों कलर्स मिक्सअप भी ना हो. जब कलर ड्राई हो जाएगा तो अभी मैं शेडिंग कर रही हूँ क्योंकि गारमेंट है, गारमेंट में फोल्ड्स वगैरह हमने शो करने होते हैं. सो ये लहंगे में जो फोल्ड्स हैं मैं वो शो कर रही हूँ, बेस कलर से ही शो कर रही हूँ अभी मैं.
आप चाहें तो फोल्ड शो करने के लिए थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बेस कलर से जो थोड़ा डार्क हो वो शेड यूज़ कर सकते हैं आप फोल्ड्स मार्क करने के लिए। फोल्ड्स मार्क करने के बाद जो शेडो अप्लाई करनी है कलर की, जो थोड़ा डार्क कलर अप्लाई करना है डिज़ाइन के अराउंड, मैं वो कलर अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं बेस कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। सो डिज़ाइन के अराउंड कहीं कहीं पे हम बेस कलर से थोड़ी शेडो ऐड करेंगे, साइड्स पे थोड़ी शेडो ऐड करेंगे। इस स्टेप से जो हमारा डिज़ाइन है वो एम्बॉस्ड लुक देगा, जो कि ब्रोकेड में होती है। और उसके बाद हम ब्लैक कलर से सेम स्टेप रिपीट कर लेंगे। डिज़ाइन के अराउंड कहीं कहीं पे हम थोड़ा ब्लैक कलर अप्लाई कर देंगे, साइड्स पे अप्लाई कर देंगे। मैंने थोड़े फोल्ड्स भी हाईलाइट किए हैं ब्लैक कलर से। और हाँ, आपका अगर फैब्रिक का बेस कलर लाइट है तो ज़रूरी नहीं है आपको ब्लैक कलर यूज़ करना है। आप बेस कलर से थोड़ा डार्क कलर यूज़ करके, जो भी कलर मैच कर रहा है उसको यूज़ करके आप ये स्टेप करें, उसको डिज़ाइन के अराउंड कहीं कहीं पे अप्लाई कर दें। लास्ट में हम गोल्डन ग्लिटर पेन अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे हमने ऑकर शेड अप्लाई किया है हमारे डिज़ाइन के बीच में, वहाँ पे हम गोल्डन ग्लिटर पेन अप्लाई करेंगे फॉर दी शाइन, जो ब्रोकेड में हमें दिखती है गोल्डन शाइन, उसके लिए हम गोल्डन ग्लिटर पेन अप्लाई कर देंगे। सो गाइस, हेयर इज़ दी फाइनल लुक ऑफ दी इलस्ट्रेशन, एंड यू कैन सी कि मैंने डिज़ाइन के बीच में कहीं कहीं पे हल्का हल्का वाइट छोड़ रखा है। डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा वाइट छोड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव लुक आ रही है इलस्ट्रेशन की, कितनी ब्राइट लुक आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। मेक श्योर टू हिट दी लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।